हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण्स कॉमर्स जोन। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में, उसका डिफरेंस बताया था और कुछ जनरलिटीज उनसे रिलेटेड बताई थी। आज जो मैं सेशन लेके आया हूँ, इसमें हम सीखेंगे कि जो गुड्स हैं अगर हम उनकी ड्राॅइंग्स कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, या फिर हम चैरिटी यानी डोनेशन या दान कर देते हैं गुड्स, या फिर हमारी गुड्स लॉस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फायर या किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसमें हम जनरेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो फॉर्मेट है ये आपको पता ही है कि ये डेट, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट और ये क्रेडिट कॉलम रहता है। सो दोस्तों, हम पहले करेंगे ड्राइंग्स पे बात कि अगर हम गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए या ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ओनर है वो अपने बिजनेस में से कुछ गुड्स अपने घर के लिए यूज़ कर लेता है या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या प्राइवेट पर्पज़ के लिए या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, तो उस केस में हम जन एंट्री कैसे पास करेंगे। तो एक मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ दोस्तों, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। 1000 रुपये की गुड्स हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की। दोस्तों, जब हम कोई पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, वो चाहे कैश में हो, चाहे हम गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, कोई भी चीज़ हम विड्रॉ करें वो कैश की फॉर्म में हो, वो गुड्स की फॉर्म में हो, उसको हम ड्राइंग्स ही बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब हम उस कैपिटल में से गुड्स या फिर कैश विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमारी कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट करेंगे। अब ये जो ड्राइंग्स हैं ये किस अकाउंट में आएगा दोस्तों? ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट को आपको याद होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम ड्राइंग्स को यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, तो क्योंकि पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा, हमारा इसमें जो रूल रहता है वो है डेबिट द रिसीवर। अब गुड्स जिसने विड्रॉ की, जैसे राम ने विड्रॉ की तो राम्स ड्राइंग्स, श्याम ने विड्रॉ की तो श्याम्स ड्राइंग्स, उसका नाम लिख सकते हैं। तो अगर नाम नहीं है तो सिंपल आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या विड्रॉ किया? गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। और रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से गुड्स गई या बिजनेस में गुड्स कम हुई, तो जब भी बिजनेस से गुड्स जाएंगी तो हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट। दोस्तों, परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। आपको याद होगा परचेज गुड्स हम जनरेटली क्या बनाते थे, मैंने बताया हुआ है, परचेज गुड्स हम लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गया टू कैश। ये तब जब हमने गुड्स खरीदी, यानी हमारे पास गुड्स आई, यानी हमारे पास गुड्स इंक्रीज हुई, तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ कि अकाउंटेंसी में जब हमें किसी चीज़ को डिडक्ट करना है, माइनस करना है, तो इसमें हम मैथमेटिकली माइनस नहीं लिखते हैं। इसमें अगर हमने उस चीज़ को पहले डेबिट किया है तो फिर उसको माइनस करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। तो जैसे परचेज हमने गुड्स खरीदी थी, हमसे गुड्स आई थी, हमारे पास गुड्स आई थी, तो हमने परचेज को डेबिट किया। अब उन गुड्स में से मान लो 1000 रुपये की गुड्स मैं पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, अगर मान लो मैंने 10,000 की गुड्स खरीदी थी, 10,000 की गुड्स खरीदी थी, लेकिन उसमें से 1,000 की गुड्स मैं पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, इसका मतलब मेरी जो गुड्स की परचेज है, यानी जितनी गुड्स मैंने खरीदी थी वो 1,000 रुपये कम हो जाएंगी। तो अभी मैंने कहा कि जब भी अकाउंट्स में हम कोई चीज़ माइनस करनी है तो हमें क्या करना है, एक रिवर्स एंट्री करनी होती है। पहले वो डेबिट की थी, अब क्या करेंगे, क्रेडिट। तो गुड्स हमने डेबिट कर ली थी जब हमने खरीदी थी, लेकिन जब हमारी गुड्स कम हुई, यानी जब हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ की, तब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी गुड्स उतनी कम हुई। और मैंने कहा कि जब भी अकाउंट में कोई चीज़ आपको माइनस करनी है आपको रिवर्स एंट्री पास करनी होती है। रिवर्स एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर पहले वो डेबिट की गई है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो पहले डेबिट की गई थी जब हमने खरीदी थी गुड्स, परचेज को डेबिट किया था, अब हमारी गुड्स कम हो रही हैं, माइनस करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे। और वैसे भी रूल भी हमारा कहता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया तो कुछ नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गई, गुड्स गई, यानी वो जो हमने पहले खरीदी थी उतनी 1000 की गुड्स हमारी कम हो गई, तो इतनी की गुड्स हमसे गई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 1000। तो आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कि जब भी हमसे गुड्स जाएंगी सेल्स को छोड़कर,
जब भी हमसे गुड्स जाएंगी, चाहे हम गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करें, चाहे चैरिटी में दे दें, दान में दे दें, चाहे गुड्स लॉस बाय फायर हो जाए, आपको परचेज को हमेशा ही क्रेडिट करना है क्योंकि इतनी गुड्स आपकी कम होंगी। और डेबिट किसको करना है, वो रीज़न जिसकी वजह से वो गुड्स गई। अभी यहाँ रीज़न क्या था, क्योंकि मैंने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों एक और लिखते हैं, ट्रांजैक्शन चैरिटी या डोनेशन, डोनेटेड गुड्स वर्थ 500, 500 रुपए की गुड्स हमने डोनेट कर दी। अगेन गुड्स हमारा रियल अकाउंट है और डोनेशन हमारा एक तरह का एक्सपेंस है क्योंकि हम दान कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो एक रूल नॉमिनल का और एक रियल का। अब दोस्तों रूल क्या कहता है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। तो क्योंकि डोनेशन जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा एक एक्सपेंस है, तो डोनेशन को मैं डेबिट कर दूंगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस है। एंड रूल सेज नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंस पहले करवा चुका हूँ। दूसरा रूल किसका लगेगा, रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने क्या चीज़ डोनेट की, हमने गुड्स, यानी गुड्स हमसे गई, तो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो, आया तो कुछ नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, गुड्स गई, तो क्या लिखेंगे, परचेज। क्योंकि आपको दोस्तों अभी मैंने कहा कि जब भी हमारे पास गुड्स आएंगी हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी हमसे गुड्स जाएंगी सेल्स को छोड़कर तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और ऊपर रीजन क्या लिखेंगे, जिस वजह से वो गुड्स हमसे गई। अब नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स, अगेन वही है लेकिन इसमें थोड़ी मैं चेंजेस लाऊंगा लॉस ऑफ गुड्स में। देखो दोस्तों इसमें आपके तीन केस बताऊंगा। पहला लॉस बाय फायर ₹5,000, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, 2000 की गुड्स आग लगने से तबाह हो गई, नुकसान हो गया। अब दोस्तों लॉस बाय फायर, अगेन लॉस है तो ये तो सीधा सीधा नॉमिनल का रूल लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेंस हैं उन पे नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है, तो यहाँ पे एक रूल नॉमिनल का, और गुड्स गई अगेन रियल। आइडेंटिफाई हो गया किसका रूल लगना है, अब देखेंगे नॉमिनल और रियल में से किसका पहले लगेगा। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, अभी हमारा लॉस है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो हम उस लॉस को डेबिट कर लेंगे क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, हमसे क्या गई, गुड्स गई, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज। अभी मैंने कहा कि जब भी हमसे गुड्स जाएंगे आपने नीचे परचेज ही लिखना है, किसी भी वजह से जा रही है, लेकिन ऊपर क्या लिख देना है, रीज़न। तो रीज़न क्या था, लॉस बाय फायर, क्यों लिखा, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट कर दिया। और परचेज क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि इतनी वैल्यू की गुड्स हमसे, हमारे पास जो हमारी परचेजेस थी उससे कम हुई, और मैंने कहा था कि जब भी हम परचेज, हमारी परचेज डिक्रीज होंगी, कम होंगी किसी भी रीजन से, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमें रिवर्स एंट्री पास करनी होती है, परचेज को नॉर्मली हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब भी हमसे गुड्स जाएंगी हम परचेज को क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए परचेज को मैंने क्रेडिट कर दिया, या रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे गुड्स गई। तो चलिए दोस्तों अमाउंट कितना था, 2000। अब दोस्तों कुछ और ट्रांजैक्शन इसी को लेकर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 2000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 1500। पूरी लाइन का मतलब समझ लो, हमारी गुड्स आग लगने से बर्बाद हुई 2000 की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 1500 का। दोस्तों हम अपने स्टॉक इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस क्यों करवाए जाते हैं, कि अगर फ्यूचर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारा जो लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें भर देती है, वो रिडीम कर देती है। यही यहाँ पे भी ऐसा ही केस है कि हमारी 2000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम माना 1500 रुपये, यानी वो 2000 नहीं देगी हमें, वो हमें सिर्फ 1500 देगी। इट मीन्स हमारे लिए लॉस कितना हुआ, 2000 की गुड्स थी उसमें से ये 2000 का टोटल लॉस था, हमारा टोटल लॉस था 2000, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें 1500 रुपये दे देगी, तो अब हमारे लिए लॉस कितना रहा, एक्चुअल लॉस कितना रहा, 500 का। पहले तो ये निकाल लो, अब हमें लॉस ऑफ गुड्स, लॉस है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये दो चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, लॉस बाय फायर अकाउंट
डेबिट और गुड्स गई टू परचेज। ये दो चीज़ें तो आएंगी आएंगी क्योंकि गुड्स तो हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई क्योंकि आग तो लगी, गुड्स की वैल्यू तो डिक्रीज हुई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है, एडमिट करने का मतलब उसने माना अभी पेमेंट नहीं की। दूसरा होता है कि क्लेम उन्होंने पे कर दिया। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी उन्होंने एडमिट किया मतलब अभी हमारे लिए वो एक डेटर्स हैं, डेटर यानी हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो हम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एसेट है और एसेट्स हमेशा डेबिट में आते हैं। हमारा डेटर है, हमें उनसे पैसा लेना है। रूल होता है डेबिट द डेटर या डेबिट द एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमें इनसे पैसा आना है इंश्योरेंस कंपनी से, अभी आया नहीं है, सो वो हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है, तो इसलिए हम उनको डेबिट कर देंगे क्योंकि रूल रहता है कि डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर, यानी जो डेटर होता है उनको हमेशा डेबिट में लिखा जाता है और जो क्रेडिटर यानी जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। ये हमारा एसेट है। तो दोस्तों अब इसका अमाउंट कैसे भरना है, हमारी जो टोटल गुड्स डिस्ट्रॉय हुई उनकी वैल्यू तो 2000 थी, यानी गुड्स तो हमारी 2000 की कम हुई, लॉस तो हमें टोटल में इतना था, लेकिन उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमें 1500 दे देगी, तो इसका मतलब हमारा पर्सनल लॉस जो है वो 500 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों एक और करवाता हूँ थोड़ी चेंज करके। अब इसी को थोड़ा सा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 2000 इंश्योरेंस कंपनी पेड 1500। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 1500 पे किया, मान लो इंश्योरेंस कंपनी हमें 1500 रुपये दे रही है, ये अलग एंट्री ये अलग है। चलिए दोस्तों अब लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स तो लॉस हुई, लॉस बाय फायर, क्योंकि नॉमिनल का रूल है लॉस बाय फायर अकाउंट। तो मैंने कहा था जब भी गुड्स जाएंगी परचेज को अपने क्रेडिट कर देना है। अब देखो पहली ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया था कि वो पैसा देगी, अभी दिया नहीं था, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, ये लिखा है पेड 1500 दे दिया, तो क्योंकि वो पैसा दे रही है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी जब हमें कोई हमारा लॉस जो है या जो हमें इंश्योरेंस का अमाउंट है वो देती है, वो इन दी फॉर्म ऑफ चेक देती है, वो कैश नहीं देती, इसलिए हमें बैंक अकाउंट ही लिखना है। तो बैंक अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन होगा, हमारे पास जो चेक आएगा फाइनली उसका रिसीवर तो बैंक ही बनेगा, सो रूल इज बैंक डेबिट द रिसीवर। तो 2000 की गुड्स टोटल में डिस्ट्रॉय हुई दोस्तों, इसमें से बैंक ने हमें दे दी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया 1500 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिया और बाकी जो बचा वो हमारा पर्सनल लॉस। अब चेंज किस में आई है दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, क्यों, अभी नहीं दिया था तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेटर है जब तक वो हमें पैसा नहीं दे देता, तो इसलिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा क्योंकि रूल होता है डेबिट द डेटर। और यहाँ बैंक क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दी, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर कौन होगा, बैंक, क्योंकि फाइनली हमारा चेक बैंक में ही क्लियर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये जो एंट्रीज हैं गुड्स की वो हमें पास करनी है। चलिए दोस्तों कुछ और चीज़ें सीख लेते हैं। दोस्तों एक नई ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी ₹1000। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन जो वर्ड है इसका मतलब बता दूं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हर एसेट की वैल्यू कम होती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, या अगर हम उसको यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर। तो सिर्फ एक एसेट ऐसा है जिसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, वो है लैंड, ज़मीन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं होती। तो बाकी जितने भी एसेट्स हैं, सपोज करो आपने एक गाड़ी खरीदी, मान लो 5 लाख की एक आपने गाड़ी खरीदी, अगर आप उसको साल के बाद बेचोगे वो 5 लाख की नहीं बिकेगी, मान लो वो 4.5 लाख में बिकी, वो जो 50,000 उसकी वैल्यू कम हुई उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर ऑफ टेयर, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये रीजंस होते हैं किसी भी एसेट की वैल्यू को जो डिक्रीज होती है उसके डिक्रीज होने के। तो दोस्तों अब जो डेप्रिसिएशन में जहाँ मैंने लिखा कि डेप्रिसिएशन
चार्जन मशीनरी की, हमने मशीनरी पे हमारी मशीनरी की वैल्यू 1000 रुपया कम हुई। अब इसकी अगर हम जेनरेटिव बनाना चाहें तो डेप्रिसिएशन, आप देखो कि जब हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई तो एक तरह का हमारा लॉस है, क्योंकि जो एसेट मान लो हमने 10000 में खरीदा था, साल के बाद अब उसकी 9000 वैल्यू रह गई, तो 1000 उस एसेट की वैल्यू कम हुई हमारे लिए, तो वो एक लॉस है, क्योंकि हमारा एसेट अगर हम अब बेचें तो वो 9000 में बिकेगा, तो 1000 का हमें नुकसान होगा। तो ये तो हमारा लॉस है, और लॉस किस अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आइडेंटिफाई करना होता है रूल किसका लगेगा, तीन ही तो अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इन्हीं में से लगना है। तो एक रूल डेप्रिसिएशन, क्योंकि लॉस है हमारा तो उसको नॉमिनल का रूल लगेगा, मशीनरी हमारा एसेट है और रियल का रूल लगेगा। आइडेंटिफिकेशन हो गया कि एक रूल नॉमिनल का लगने वाला है, एक रियल का। अब नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस या लॉस कुछ भी कह सकते हो, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो हम गारंटी जो बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्यों डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए इसको डेबिट किया। और रियल का रूल क्या था दोस्तों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। अब गया मतलब यहाँ पे मशीन की वैल्यू, मशीन कहीं नहीं गई लेकिन उसकी वैल्यू कम हुई, तो वैल्यू कम हुई तो हम मशीनरी को क्रेडिट कर लेंगे। या सिंपल इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, और जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। जैसे जब हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास कैश आता है और गुड्स जाती हैं। तो जैसे मैंने कहा एसेट की वैल्यू इंक्रीज तो डेबिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज तो क्रेडिट। देखो जब हमने गुड्स बेची तो कैश आया, मतलब हमारा कैश जो हमारा एसेट है वो इंक्रीज हुआ, और गुड्स हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हुई। तो जो एसेट इंक्रीज़ हुआ डेबिट, जो डिक्रीज़ हुआ क्रेडिट। तो इसी तरह हमारी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई, पहले से 1000 कम हुई, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर लिया रूल के साथ, या ऐसे आप समझ सकते हो। तो दोस्तों अब कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई? 1000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कभी भी एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो तो इस तरह से, या कई बार ऐसा आता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मशीनरी ₹20,000। कई बार मशीन की वैल्यू दे देते हैं कि आपने 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, 10% साल की होती है दोस्तों, और मशीन की वैल्यू 20,000 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप ऐसे कर सकते हो, कितनी वैल्यू है मशीन की? 20,000। कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है? 10%। तो अगर मैं उसकी 10% वैल्यू लगाऊं तो वो हो जाती है 2000। मतलब ये आपको मैं सिंपली ये बताया कि कई बार वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे देंगे, कई बार वो मशीन की वैल्यू दे देंगे, आपको परसेंटेज के हिसाब से दी होगी साथ में, वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके भी उसको कर सकते हो। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चंस आने हैं, जैसे मैंने कहा कि जेनरेटिव नहीं आएंगी, आपको आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो इससे पहले मैंने करवाया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज द अकाउंट डेबिटेड इज, इस तरह से ऑप्शन हो सकती है कि अगर हमने पर्सनल यूज के लिए अकाउंट गुड्स विड्रॉ की तो किसका अकाउंट डेबिट करेंगे? ए गुड्स अकाउंट, बी गुड्स की जगह परचेज लिख लो परचेज अकाउंट, बी ड्राइंग अकाउंट, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दीज। ऐसे आपके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जब हम गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं तो किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो अभी आपने सीखा कि जब हम कोई भी चीज़ गुड्स हैं या कैश है जब विड्रॉ करेंगे तो हम किसको डेबिट करते हैं? परचेज को डेबिट नहीं करते, परचेज क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट किसको करते हैं? ड्राइंग को। तो अगर आपको वो जेनरेटिव बनानी आती होगी तभी आपका ये एमसीक्यूज हो सकता है। या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज द अकाउंट क्रेडिट टू, किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, मान लो यही ऑप्शंस दी हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं? ड्राइंग अकाउंट टू परचेज, तो क्रेडिट किसको किया हमने? परचेज को। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। तो ये जो MCQs हैं ये आपके इन्हीं जेनरेटिव से निकलेंगे। आपको खुद ही सोचना है कि ये जो जेनरेटिव ये ट्रांजैक्शन दी है इससे कौन सा MCQ बन सकता है। तो आपको सिंपली यही कहेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट या फिर कौन सा क्रेडिट होगा। उसके लिए आपको जेनरेटिव का कंसेप्ट समझना जरूरी है, जेनरेटिव कैसे बनानी है वो समझना जरूरी है। अगर आपको वो आता होगा तभी आप ये कर पाओगे, इसलिए मैं जेनरेटिव पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। आप वो जेनरेटिव बनाना सीखो, सिंपल रूल तीन ही है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इन्हीं के इर्द गिर्द
जो है आपकी जेनेटिस बन जाएगी। तो आपको सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना किसका रूल लगेगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। फिर जब एक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने सिंपली ये देखना है कि किसका डेबिट और किसका क्रेडिट लगने वाला है, बस इतना करना है। तो जब आपको जेनेटिस आ जाएंगी, एमसीक्यूज आपके अपने आप बन जाएंगे। तो जेनेटिस से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं और वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे जो मैंने करवाया है। तो दोस्तों आज के लिए, आज का चैप्टर मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। कल इसका लास्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो जो है इसका लास्ट होगा, उसमें मैं अलग अलग तरह की मिसलिनियस जेनेटिस लेके आऊँगा, उस पर काम करेंगे और बताऊंगा कि किस तरह से आप इनके एमसीक्यूज इनके ऊपर बन सकते हैं और आपने कैसे इसका आंसर देना है। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप मुझे जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके सिवा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।